ये हरसिल के आगे धराली है, उसका व्यू है। सामने भागीरथी नदी है, ये एक पहाड़ी नाला मिल रहा है। नाला मतलब ये भी साफ पानी का, ग्लेशियर का पानी होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको नाला बोलते हैं और पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं गदेरा। ये इस तरह से व्यू है, चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं। ऊपर ये प्राचीन कल्प केदार मंदिर है। अभी मैं हूँ अपने चयन होटल हरसिल में। हरसिल के आगे एक जगह है धराली, 1 किलोमीटर आगे। ये मैंने मार्केटिंग पे लिया है, 30 कमरों का होटल है। ये व्यू है, ये गॉडेस बनी हुई है इस तरह से। किचन बना हुआ है, जो किचन ग्रुप आते हैं गुजरात से और बंगाल से, जो सेल्फ किचन लेके चलते हैं उनके लिए है। ये नीचे रूम्स बने हुए हैं इस तरह से, ऊपर रूम्स। यहाँ पे ये कॉटेजेस बनी हुई हैं और ये कॉटेजेस बनी हुई हैं नीचे ऊपर। फ्रंट में भी ये जो कॉटेज है इनका फ्रंट उधर से ओपन होता है, ये लॉन है। ये पार्किंग स्पेस है और बाहर भी पार्किंग है। ये 4 बेडरूम है इस तरह से, एक डबल बेड यहाँ लगा हुआ है, एक डबल बेड वहाँ लगा हुआ है इस तरह से। वॉल पे भी वुडन वर्क है, विंडो, और ये एक मिरर लगा है। चारों तरफ विंडो ही विंडो है। सीलिंग देखेंगे तो पूरा वुडन वर्क है, बाहर ओपन बालकनी है। ये इसका अटैच वॉशरूम है, ये WC, यहाँ गीजर लगा हुआ है, इतना स्पेस है। और ये वॉश मशीन है, अंदर ये चेयर है, इतना स्पेस है, एक चेयर एक टेबल। डोर से देखेंगे तो इतना स्पेस है, यहाँ पे 2 बेड के बीच में दोनों साइड इतना वॉकिंग स्पेस है। रूम के साथ में इतनी बड़ी बालकनी है, और जो बालकनी से व्यू आता है वो सामने ग्लेशियर्स का व्यू आता है, उधर भी ग्लेशियर्स हैं ये, और यहाँ पे गंगा नदी यानी भागीरथी नदी की आवाज़ आ रही है और नदी सामने ही। इस तरह से एंट्रेंस है, वहाँ से गाड़ी, छोटी गाड़ी ऊपर आ जाती है, बड़ी गाड़ी बाहर ही, वो गाड़ी पार्क है वहाँ पे पार्क होती है। इसी तरह से ये कॉटेजेस बनी हुई है। ये 3 बेडेड रूम, इस तरह से 3 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। सामने व्यू है पूरा, और बेड के वहाँ से वॉकिंग स्पेस है। इस तरह से नीचे कारपेट लगा हुआ है, इस साइड भी विंडो है, और इतना वॉकिंग स्पेस, एक टेबल और चेयर। ये इसका अटैच वॉशरूम है, गीजर, WC, इतना स्पेस है, और ये वॉश मशीन। बिल्कुल मेन रोड पर ही होटल है, सामने भी पार्किंग है, और ऐसे अंदर जाके ये रास्ता जाता है, अंदर भी पार्किंग है। ये पूरा होटल बना हुआ है, पीछे का व्यू, ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। ये स्टेयर्स चढ़ के इधर भी रूम बने हुए हैं, बालकनी से सामने ग्लेशियर्स का व्यू आ रहा है। डबल बेडरूम है इस तरह से, 2 बेड लगे हुए हैं, इतना स्पेस खाली है। सामने विंडो है जहाँ से व्यू आता है, एक टेबल चेयर मिरर, और ये इतना स्पेस है। ये डबल बेडरूम का वॉशरूम है, गीजर, WC, इतना स्पेस है, और ये है वॉश मशीन। ये लॉन है, इसमें घास लगी हुई है, और यहाँ से बैठ के आप जो व्यू देख सकते हैं, सामने ग्लेशियर्स, जंगल का व्यू, सामने ग्लेशियर्स, यहाँ भी ग्लेशियर्स हैं, और नीचे गंगा नदी। दोस्तों जो हमारा ये धराली वाला होटल है, यहाँ से आप गंगोत्री जा सकते हैं, 25 किलोमीटर गंगोत्री है। यहाँ से आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, 7 ताल ट्रैक होते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे, और यहाँ से आप जा सकते हैं नेलोंग वैली। नेलोंग वैली को मिनी लद्दाख बोलते हैं। नेलोंग वैली जाने के लिए आपको पहले से परमिशन लेके आना होगा। मैं आज आपको नेलोंग वैली का भी ट्रिप कराऊंगा, इस वीडियो में लिंक दे दूंगा उसका। तो उसके लिए SDM उत्तरकाशी यानी SDM भटवारी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में है, वहाँ से परमिशन लेनी होती है। पहले आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, फिर वो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है, और फिर वहाँ से उनकी स्टैम्प लगती है, लेटर मिलता है, फिर फॉरेस्ट ऑफिस से वहाँ पे वहीं जाके एक परमिट लेना पड़ता है। इनकेस वहाँ से परमिट आप नहीं ले पाओगे, SDM की परमिशन आपके पास है, तो भैरव घाटी में भी आपको परमिट मिल जाएगा। जैसे कल मुझे वहाँ पे जो उनके ऑफिसर थे जो परमिट देते वो नहीं थे, तो मेरा परमिट यहीं से मिलेगा मुझे। लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको परमिट लेके आना होगा उत्तरकाशी से। अगर आप डायरेक्ट आ गए तो फिर आप नेलोंग वैली नहीं जा सकते।
नेलोंग वैली वो जगह है जहाँ से पहले चाइना के साथ ट्रेड होता था। एक लकड़ी का ब्रिज, जो जिस ब्रिज पर चल के पहले लोग जाते थे, वो भी बना हुआ है अभी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा जो होटल है, इससे आप नेलोंग वैली ट्रैकिंग, सात ताल ट्रैकिंग, गंगोत्री, ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।